गुरुग्राम में अब अवैध कॉलोनी बनाने वालों की खैर नहीं, क्योंकि डीटीपीई विभाग ने अब अवैध कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ एक्शन मोड अपना लिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर डीटीपी विभाग सख्ती से शिकंजा कसे हुए है। डीटीपी विभाग ने अवैध कॉलोनी काटने की 10 अलग अलग मामलों में 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये मुकदमे गुरुग्राम के सुल्तानपुर, फरुख नगर और ताज नगर क्षेत्र में दर्ज कराए गए। दरअसल ये लोग बिना लाइसेंस के नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे थे और इसी को लेकर डीटीपी विभाग ने ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। ऐसे कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के 1975 एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी बंदा बिना लाइसेंस के वो उसको सब डिवाइड करके प्लॉट कार्व आउट करके इलीगल कॉलोनी काटेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो उसी 75 के एक्ट के प्रावधान के अनुसार ही लगभग 10 FIR पीछे भेजी गई थी, रिकमेंड की गई थी 10 कॉलोनीज में। वो 10 कॉलोनीज में लगभग 51 ऑफेंडर्स हैं जिनके नाम पर वो ज़मीन थी जो काट रहे थे, तो उनके अगेंस्ट जो है सुल्तानपुर में, फारूक नगर में इनकी FIR दर्ज कराई। मामले में DTPER S बाट की माने तो अवैध कॉलोनी काटे जाने पर पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस में संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया था। इससे पहले भी कई लोगों के खिलाफ अवैध कॉलोनी काटे जाने पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जब FIR दर्ज हो चुकी है उसमें इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी का भी नाम आता है, कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट किसी की आती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बिल्कुल रहेगी और उनके अगेंस्ट भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। FIR तो इसमें 4 सुल्तानपुर की हैं, ताज नगर की हैं और बाकी जो फारूक नगर में है, जो कि अभी फ्रेश कॉलोनीज कट रही थी जिनके पीछे हमने नोटिस दिए। वहीं DTPE ने अवैध कॉलोनी काटने वालों को चेतावनी दी है कि अगर गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी काटने का काम किया जाएगा तो ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।